अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएसके डिजाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जानशेर और आज हम सीखेंगे टाइपोग्राफी या टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह किस तरह बनाते हैं फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है 90x20x1080, ठीक है, और रेजोल्यूशन 300 रख के क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ हमारे पास एक इमेज है सनसेट की, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। फिर हम दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे जितना कि हमें रिक्वायर्ड हो, जो कि हमारे आर्टबोर्ड पे आपको नज़र आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से करेक्टर के टैब में आएंगे। अगर आपके पास यहाँ नहीं है तो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से करेक्टर के टैब ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट जो हमारे पास है वो है मिसमो। फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉन्ट साइज़ है मेरे पास 40 पॉइंट्स, ठीक है। और अब हम लेंगे यहाँ से टाइप टूल और यहाँ टाइप कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल सनसेट, ठीक है। और हम लेयर्स में आएंगे तो यहाँ मेरे पास एक ही लेयर है इस सनसेट की, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी लेयर्स चाहिए, मतलब सारे लेटर्स सेपरेट चाहिए, तो मैं इसमें से टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन लेयर्स की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, ठीक है। 6 कॉपीज बन गई। अब इसमें हम लेटर्स के नाम यहाँ लिख देते हैं, यू एस ही है और यहाँ आ जाएगा ई और यहाँ आ जाएगा टी सनसेट, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा, जितने भी लेटर्स हैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, टाइप हम करेंगे लेटर्स, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ हम प्रोपोर्शनली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ ग्रुप में आएंगे और इन सब लेटर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टॉप पे आपको बस अलाइन के आइकन नज़र आ रहे हैं, तो इसके बराबर में 3 डॉट्स हैं और यहीं पे हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, लेकिन यहाँ पे हमें सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से हम अलाइन कर देंगे तो अब सबकी जो स्पेसिंग है इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम एक लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं एस को और टॉप से हम रूलर लेकर यहाँ एक लाइन लगा देते हैं या रूलर लगा देते हैं। रूलर शो नहीं हो रहा तो कंट्रोल प्लस आर आप यहाँ टाइप करेंगे तो इसके बाद आपको बस रूलर शो होगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड से भी हम एस पे पहले रूलर लगाते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सब पे हमें सब लेटर्स पे लगाना होगा, लेकिन लेटर्स को सेलेक्ट करना होगा, ठीक। अब हम इसमें से टी एस और यू इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ड्रैग करके हम नीचे ले आते हैं ई के सेंटर वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें ज़िगज़ैग के शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे क्लोज करेंगे और जो हमारी नीचे वाली लेयर है बैकग्राउंड इमेज है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक मास्क अप्लाई कर देंगे। मास्क अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्क टूल ले रहा हूँ और इस एरिया की सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन लेने के बाद हम ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है, इसमें से ये एरिया रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इस मास्क वाले थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये इसमें इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको अनलिंक करेंगे या अनचेन करेंगे और अपने इस थंबनेल को या इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इमेज कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इमेज का साइज़ वगैरह आपने एडजस्ट करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम टॉप पर भी बना लेंगे और इसे फिलहाल हम हाइड कर देंगे। फिर नीचे वाले मास्क वाले आइकन को हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्रश टूल, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल ब्रशेस है हमारे पास, इसमें है हार्ड ब्रश। हार्ड ब्रश सेलेक्ट करके इसको 60 के अराउंड हम इसका साइज़ कर लेते हैं और सिंपली हम ड्रैग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ आपके पास ब्लैक कलर होना चाहिए फ्रंट पर, ठीक है। और यहाँ से रिमूव करेंगे, जूम करके कर लेते हैं ताकि ईजिली मूव हो सके। अच्छा, एंड में रिमूव करते हुए हमें यहाँ से दोबारा मार्क रेक्टेंगल मार्क टूल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेक्शन पहले बना लेंगे, ठीक है। और अब दोबारा से ब्रश हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो एंड में से हम एरिया इस तरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है,
और ये हमारे पास जो टॉप पे हमारे पास एक लेयर थी जिसे हमने हाइड किया था उसे अनहाइड कर देंगे और यहाँ मास्क आइकन पर राइट क्लिक करेंगे डिलीट लेयर मास्क और इसके ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे व्यू और गाइड्स क्लियर गाइड्स, ठीक है, तो ये गाइड्स यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ बैकग्राउंड वाले लेयर को हाइड कर देंगे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई इनको प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, जिसमें एक इमेज होगी। हम अब दोबारा से मास्क पे क्लिक करेंगे और फिर हम रेंगल मार्क टू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कुछ एरिए की सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से दोबारा ब्रश टूल लेंगे, ब्रश लेने के बाद हम इन तीनों लेयर्स को हाइड कर देंगे और यहाँ इस मास्क वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब हम सिंपली यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये एरिया रिमूव होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इन तीनों पार्ट में से जस्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड वाली लेयर को हम यहाँ से अनहाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से हम इस पर अप्लाई करेंगे ड्रॉप शैडो, ठीक है। तो ड्रॉप शेडो हम इसको बढ़ा देते हैं अराउंड 60, ठीक है, और शेड भी थोड़ा सा ले लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं इसे, डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और अगर आपने इसकी ओपेसिटी कम रखनी है तो आप अराउंड 50 भी रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।